सर सर वन ऑटोग्राफ प्लीज। वन ऑटोग्राफ प्लीज सर। सर देखिए हटिए ना सर, प्लीज वन ऑटोग्राफ। अच्छा लिसन, ये वाला जो ऑर्डर उस टेबल पे लेके जाओ। कैपुचिनो विदाउट स्माइली और एक कुकीज नहीं चाहिए मुझे। ये कॉम्प्लीमेंट्री है सर। मुझे नहीं पसंद। अब एक्सक्यूज मी, मैंने ऑर्डर आपको दिया है सो मेरी कॉफी आप बनाओगे, वो नहीं। मिस्टर रोहन, प्रॉमिसेज एंड लाइज, क्या सोचकर आपने ये टाइटल रखा है? बुक का टाइटल महज एक टाइटल ही नहीं, कुछ लड़कियों की फितरत से इंस्पायर्ड है, वो लड़कियां जो झूठे प्रॉमिसेस करती हैं। सो प्रॉमिसेज एंड लाइज। आपकी कहानी का कोई हैप्पी एंडिंग होगा? इस कहानी का कोई भी एंडिंग नहीं होगा, ना हैप्पी ना सैड। ये कहानी इनकम्प्लीट है, हमारे सपनों की तरह। रोहन, क्या आपकी कहानी का कोई सीक्वल है? आई विश, पर इसका कोई सीक्वल नहीं होगा। इसका एंड इस किताब के पन्नों के साथ ही खत्म हो जाता है। सर सर वन ऑटोग्राफ प्लीज। Thank you. Promises and Lies by Rohan Khatri. Interesting, isn't it? You know, कई कई बार ऐसी कुछ कहानियां होती हैं जिनकी ending happy नहीं होती. They not always have a happy ending. और ऐसी कहानियों को हम अक्सर tragedies कहते हैं. Rohan was right. उसे पता था कि उसकी इस कहानी का कोई अंत नहीं। And in fact, अगर ये कहानी मैं आपको सुनाऊं या आप ये कहानी देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि इस कहानी को कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। In fact, इस कहानी का एक सीक्वल बनना चाहिए। लेकिन सीक्वल बनने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि असलियत में शुरुआत में इस कहानी में क्या हुआ था। Well, वही जानने के लिए वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है पावर्ड बाय नोकिया लुमिया 6 हमारी आज की कहानी, रोहन खत्री और प्रियंका। 14 February 2009। ये बलून किधर रखे तुमने? हाय, बस इतने ही है? यो, दिस प्लेस लुक्स सो प्रिटी। Where are the candles? ये रहे। Loser. क्यों? Jealous हो? ये वालेंटाइन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्लान कर रहा है। Please. तूने उसकी गर्लफ्रेंड देखी है? उसे कोई प्यार दार नहीं करती है। नकचड़ी होई थी टॉय दी गर्ल। तुमने कभी देखा उसे कैसे बात करती है? सीरियसली आप इज हियर। मतलब कभी-कभी तो सीरियसली मुझे लगता है उसका नाम लूजर नहीं होना चाहिए, टॉमी होना चाहिए, क्योंकि उसकी सारी बातें मानता है यार। देखो, मुझे अगर बात नहीं भी आई ना, आई वुड बी सरप्राइज्ड। हे, दैट्स मीन। आई मीन, कितना प्यार करता है यार उसे वो। सिर्फ उसे कोई प्यार नहीं करता है, ट्रस्ट मी। उसे सिर्फ लगता है वो उसे प्यार करता है। ये लड़की ना जितना उसे कम भाव देती है ना, उतना ही उसके पीछे भागता है। अभी तो देखिए इतने सारे रोजेस, गिफ्ट और क्या क्या लेकर आया है, एंड ऑल दिस डिनर्स।
I'm telling you, Kriti, this Rohan guy is a big loser. जो सिर्फ लड़कियों क्या coffee, I'll get it. Thanks. I prefer self-service. आप बैठिए ना, मैं लाती हूँ. मुझे ये नहीं, दूसरी कॉफी चाहिए. तुम बनाओगी. अच्छा सुन, क्या हुआ? गॉड या कृति, उसने सुन लिया. अच्छा सुन, ये दो कुकीज ना उसे देकर आ, मेरे अकाउंट में डाल देना. और एक मिनट रुक रुक. कॉफी? ये कॉम्प्लीमेंट्री है सर. थैंक्स. दो घंटे हो गए नहीं आई. आई टेल यू, रोज तो लेट ही आती है, आज भी. यार एक बात बता. हाँ? तुझे ये लूजर के बारे में काफी कुछ पता है. ये कितने बजे आता है, इसकी कॉफी कैसी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए या नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है या उसके पीछे क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा? I'm a good waitress, no? अपने कस्टमर्स के पसंद नापसंद का ख्याल है मुझे, और क्या. तू भी ना. ऑर्डर नंबर 5. यार पसंद नापसंद ठीक है, बट ये लव लाइफ में इतनी गहरी रिसर्च. मुझे उसकी लव लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिलैक्स. पर उसका लव इंटरेस्ट तो आ गया. फाइनली दिख आ गई. कैसे आ रही है? जैसे बहुत ही एहसान करी होगी उस पे. तू बड़ा सिंपैथी दिखा रही है उसके लिए. प्लीज, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी लव लाइफ में. तू एक बात बता, तू उसके लिए दो रोज आलमंड कुकीज खिलाती है, वो भी अपने अकाउंट से. मैडम स्टॉप ओवरथिंकिंग. तुरी खुद दिखाया ना ये रोज कैसे कितने घंटे यहाँ वेट करता है. बेचारा इसकी शक्ल देखकर मुझे मन करता है यार ऐसे कुकीज दे दो, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं है. रिलैक्स. पता नहीं कैसे टॉलरेट करता है यार इसे. ये ना इसे कभी नहीं छोड़ने वाला. इसे ना डर है सीरियसली कि अगर ये लड़की इसकी लाइफ से चलेगी ना तो इसे और कोई नहीं मिलेगी. आई एम टेलिंग यू कृति, ये इसका डर है जैसे सब करवाता है. स्ट्रेंज ना, जिसे लव में इंटरेस्ट नहीं है, शादी में इंटरेस्ट नहीं है, बट रिलेशनशिप्स के बारे में सब पता है. आई थिंक तो उसे लाइक करने लगी है. What? आई थिंक तो उसे लाइक करने लगी है. लाइक करने लगी है. लाइक करने लगी है. क्या मैं उसे सच में लाइक करने लगी हूँ? वादा करो मेरे जाने के बाद मम्मी पापा का हमेशा ख्याल रखना, उनका साथ कभी मत छोड़. मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी भैया, हमेशा इनका साथ दूंगी भैया. इसके लिए मैं कभी शादी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस यू. इनका साथ कभी मत छोड़. ये लीजिए मामी जी, आपने जो जो मंगाया था सब कुछ लेकर आ गई, सब्जी घी सब कुछ इसमें. देख प्रियंका कौन आया. सजना चाची कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ. पहले वो सब बाद में, पहले ये लो मुंह मीठा करो. ये किस खुशी में? स्वीटी का रोका हो गया है और अगले महीने नागपुर में शादी है, तुम्हें जरूर आना है मामा मामी के साथ. जी प्रियंका को तो हम भी लाना चाहते थे, पर क्या है ना इसको छुट्टी नहीं मिलेगी. हाँ वो मामा जी ठीक कह रहे, मैं नहीं आ पाऊंगी, पर मामा मामी जरूर आएंगे पक्का. हम जरूर आते पर इस वक्त वो ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी. मामा जी वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप लोग की टिकट्स मैं बुक कर दूंगी. और बेटा स्वीटी की शादी और तू ना आए, आ जाना, क्या मालूम कोई लड़का तुझे पसंद कर ले. और वैसे भी शादी ब्याह में रिश्ते झट से बन जाते हैं. प्रियंका को शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. क्यों प्रियंका? हाँ चाची मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. क्या शुरू में सब लड़कियां ऐसे ही कहती है? नहीं चाची मैं
मैं कभी शादी नहीं करूंगी। आदि ने कसम दी थी इसे कि आदि के जाने के बाद ये हमारा पूरा ख्याल रखेगी, कभी शादी नहीं करेगी। मामी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर वो आपके बेटे थे तो मेरे भी तो भाई थे ना, और मुझे ये शादी से ज्यादा आप लोग इम्पोर्टेंट हो। आप लोग के साथ रहना, आप लोग का ख्याल रखना, ये मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मामी। मैं मानती हूँ कि भैया नहीं रहे, पर मैं तो हूं ना, और मैं अगर आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? आजकल तो अपने बच्चे भी इतना नहीं करते हैं। सच बेटा, बहुत हिम्मत है तुझ में। हिम्मत तो दिखानी पड़ती है, नहीं तो कैसे काम चलेगा? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, कभी भी नौकरी जा सकती है। हिम्मत तो ना मामा मामी में जो मुझे झेल रहे हैं, और अगर आप मुझे अब घर से बाहर निकालने लगोगे ना तो भी मैं नहीं जाऊंगी। क्यों भगाएंगे भला, घर में तुझे से रोना क्यों बेटा? और भगाना ही होता तो जीजाजी के एक्सीडेंट के बाद तुझे लाते ही क्यों यहाँ? आखिर हमें ही तो पालना है तुझे। अच्छा मैं चलती हूँ, और भी कई जगह कार्ड बांटने, आप लोग शादी में जरूर आइए। अच्छा चाची। मैंने तुम्हारे मुंह से पहले भी सुना है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम दोनों के बीच में तुम्हें प्यार नहीं लगता, ऐसा लगता है ना तुम्हें? हम दोनों ओह यू मीन यू एंड दिया, और कौन? मैंने ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सी मैं जब भी आप दोनों को देखती हूँ ना, मुझे वो फील ही नहीं होता है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू, बट अब जैसे इस कैफे में ना बहुत सारे लोग आते और कुछ डम कपल भी होते, लेकिन वो डम कपल्स को देखकर ना ऐसा लगता है दे आर इन लव, बट जब मैं आप लोगों को देखती हूँ तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। अब आई डोंट नो मैं आपको समझा पा रही हूँ कि मैं कैसे समझाऊं तुम्हें यार, हम दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, हम दोनों मतलब मैं और दिया। ओके दैट्स ग्रेट, आप शायद सही होंगे। तुम तो हमेशा ही सही होती हो। अच्छा ये लो कुकी खाओ। ये क्यों? आज स्पेशल ओकेजन है। ओकेजन? मेरा सैन फ्रांसिस्को में जॉब लग गया। वाओ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एग्जैक्टली वैसा जॉब जैसा दिया चाहती थी। और आप किसका जॉब चाहते थे? वही जॉब जो दिया के फेस पे एक स्माइल लेके आ जाए। Wow. अगर इसे प्यार कहते हैं ना, I'm so happy मैंने ये फीलिंग कभी एक्सपीरियंस की। Well, जिस लड़की के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो, I feel ना तुम्हें कुकी उसके साथ शेयर करनी चाहिए, ज़्यादा खुशी हो।
नहीं यार, दिया को तो अब तक आ जाना चाहिए था। अच्छा मैं चलती हूँ, यू रिकॉल। प्रियंका मेरा लैपटॉप सही चल नहीं रहा है, साइबर कैफे से तुम्हारे मामा मम्मी के टिकट करवाने पड़ेंगे। पर सर मैं जॉब के पीछे कैसे जाऊँ, मेरे तो घंटे के हिसाब से पैसे कटेंगे। अच्छा ठीक है मैं जल्दी जाके आती हूँ। लेकिन तुम्हें अभी छुट्टी नहीं दे सकता मैं, तुम देख रही हो यहाँ पर कितनी भीड़ है। बट सर फिर मैं टिकट कैसे बुक करूँगी? मेरा लैपटॉप यूज कर लो। आपका? नो बिग डील, आई मीन कोई कस्टमर रिलेशन खराब नहीं हो जाएगी। चिल, बी सेट, कम कम। नागपुर के लिए ना दो ट्रेन की टिकट्स बुक करनी। तुम और तुम्हारा वैलेंटाइन। नहीं नहीं वो मामा मामी के। आप लिखते भी हो? कभी कभी, ऐसी हॉबी है मेरी। ये रहा तुम्हारी वेबसाइट, अब कर लो बुकिंग। क्या हुआ? टिकट बुक करना नहीं आता? इट्स ओके, मैं कर देता हूँ, पर एक चार्ज लगेगा। चार्ज? ये तुम्हें कुकीज का ऑफर बंद करना पड़ेगा। गुड नाइट। चलें? क्या? लेट्स गो। थैंक्स। क्यों? आज आपने मेरी हेल्प चुकी मामा मम्मी की टिकट्स बुक करने में, सो थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, और वो भी पूरे 25 टाइम्स। क्यों? आमंड कुकीज के लिए। 25 दिन से तुम मुझे आमंड कुकीज खिला रही हो, मुझे नहीं पता कि कोई ऑफर इतना लंबा नहीं चलता। पर थे बड़े टेस्टी, वो बहुत टेस्टी थे। अच्छा आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आपको जो जॉब मिली है आपकी गर्लफ्रेंड के पसंद से, आपको नहीं लगता आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए? करना तो मैं भी चाहता था यार सेलिब्रेट, पर पता नहीं जब से उसे बताया ना बहुत वियर्ड सा बिहेव करने लगी है वो। पता था? आप पहले ऐसे लड़के हो जो अपनी गर्लफ्रेंड के भाव ना देने पर स्माइल कर रहे हो। वाह। नो, मैं उसके ना मानने पे खुश नहीं हो रहा। कल जब मैं उससे बात कर रहा था ना, मैंने उसके चेहरे पे एक अजीब सा डर देखा, मुझे खोने का डर। और जब मैंने उसे यूएस जाने के बारे में बताया ना, तो इतनी नर्वस लग रही थी ना वो, अच्छा लगा मुझे उसकी नर्वसनेस देख के। बहुत मिस करेगी वो मुझे। मुझे तो नहीं लगता। क्यों? आपने फिर से सुन लिया? बताओ क्यों? आपको सीरियसली लगता है कि आपके दूर जाने से उसको डर होने वाला? बहुत प्यार करती है वो यार मुझसे। वीजा के लिए इंटरव्यू दे रही है क्या तुम्हारा?
तुम पकड़वाओगी मुझे? डोंट वरी, अगर कुछ हुआ तो बचा लूंगी, मैं हूं ना। प्रियंका नहीं दिख रही, कहाँ है? आज उसका ऑफ है। ऑफ? बट ये आपके लिए। ये क्या है? Hey, you are cordially invited for dinner. Oh my God. Dinner invitation? वो भी प्रियंका के घर पे? Occasion क्या है यार? बर्थडे है। आज? हाँ, और उसे बताना नहीं कि मैंने आपको बताया। Sure, यार। So, आज प्रियंका का बर्थडे है। रोहन? छोड़ के चली गई वो। She broke up. क्या हुआ? हाँ? अच्छा एक मिनट। पानी पियो, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ? क्या बताऊँ? सब गलत हुआ यार। खत्म हो गया। She dumped me. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कभी चल ही नहीं सकते रोहन, वैसे भी ये तो तुम्हारे करियर का सवाल है ना। पर तुमने ही तो कहा था दिया कि ये जॉब। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूं, cuz आई वांट द बेस्ट फॉर यू बेबी, बट तुम ही सोचो, तुम वहां और मैं यहां पे, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। इस पे क्या इनको मना कर देता हूं, यहीं पे कंटिन्यू कर लूंगा। प्लीज रोहन, तुम अच्छे से जानते हो मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो अपने बॉयफ्रेंड के करियर के बीच में आए। आई डोंट थिंक सो कि ये रिलेशनशिप हमें कंटिन्यू करना चाहिए। पर दिया तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? आई एम सॉरी, इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड। रोहन, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये प्यार नहीं। गलत, तुम हमेशा गलत बोलती हो, तुम्हारी बात ही नहीं सुननी चाहिए थी मुझे कभी यार। नहीं तुम्हारी बात सुनता, नहीं तुम्हारी बात करता। मेरी बात? हाँ। सेल्फिश हो तुम दिया, बताए बहुत सेल्फिश हो, हमेशा ही अपने बारे में सोचती हो यार। सीखो कुछ उस प्रियंका से, खाली कैफे में मिलता हूँ मैं उससे, थोड़ी सी बात हुई है हमारी, इतना ज्यादा समझती है ना वो मुझे तुमसे, मेरी लाइक्स डिसलाइक्स हॉबीज सब कुछ। How dare you to compare me with that waitress? दोस्त है वो मेरी, यही तो गलती कर दी मैंने, तुम्हारी तारीफ। Calm down, Ron, please. मैं तुम्हारा नाम तो दूर की बात हो, तेरी वाली बात भी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। रोहन, रोहन just listen to me please, रोहन। रोहन ने दिया से मेरे बारे में, समझ नहीं आ रहा है खुश हूं या नहीं। एक्सक्यूज मी, ये टेबल रिजर्व्ड है, आप लोग उधर बैठ जाइए प्लीज। Thank you. Oh, sir, वो मुझे इन्वेंट्री क्रॉस चेक करनी थी तो जाते वक्त मैं लॉक कर दूँ। ये लो। Thank you. गलती करती मैंने, जानती हूँ, तुमने कल भी यही कहा था। नहीं कहना चाहिए था। कल भी तुमने यही कहा था। दिया के सामने तुम्हारा नाम लेकर कोई भी गलती नहीं करी मैंने। तुम्हें पता है कल रात भर बैठ के मैं यही सोचता रहा कि ये जो सब भी हुआ इसमें मेरी क्या गलती थी। मैंने दिया के लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया दिया के लिए, तो मैं गलत कहाँ पे था। पहली बार मैंने अपने दिल की बात उससे शेयर करी, वो कहाँ जो मैं सोचता हूँ। तुमने मेरे साथ कुछ ही वक्त बिताया और मुझे समझ लिया जो वो 2 साल में नहीं समझ पाई। तुम सही बोलती थी प्रियंका,
दिया ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, और अब जब दिया मुझे छोड़ के चली गई, बहुत अकेला फील कर रहा हूं मैं। रोहन, तुम कभी भी अकेले नहीं होगे, मैं कभी तुम्हें अकेले नहीं होने दूंगी। मैंने दिया के बिना अपनी लाइफ कभी इमेजिन करी नहीं थी। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उसके हाथ का रिमोट कंट्रोल बन गया। इनफैक्ट जब तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे कैसा जॉब चाहिए, तो मुझे पता ही नहीं था, जैसे मैं इस रिलेशनशिप में था ही नहीं। तुम रोहन हो और तुम जानते हो कि तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे, वो करोगे जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। और रोहन, कभी भी तुम्हें अगर ऐसा लगे ना कि तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाऊंगी। कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। हमेशा? हमेशा। बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। रोहन, तुम वीक हो गए। दिया ने तुम्हें हर्ट किया इसलिए तुम मेरा सपोर्ट चाहते हो। सपोर्ट? तुम्हें लगा मैं तुम्हारी सपोर्ट ले रहा हूँ अपना रिलेशन बुलाने के लिए? यू मीन रिबाउंड? मतलब यही सोचती हो तुम मेरे बारे में? डोंट जस्ट गो अवे प्लीज। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। डोंट डू। प्रियंका का ये मानना कि ये रोहन के लिए सिर्फ एक रिबाउंड था, क्या ये सही था? Well, I don't think so. क्योंकि प्रियंका ये बात अच्छे से जानती थी कि रोहन does not love Diya. In fact, अगर वहां पर रोहन का किसी से कनेक्शन बन रहा था तो सिर्फ प्रियंका के साथ। लेकिन क्या इस चीज को रीबाउंड का नाम देकर प्रियंका अपने भाई से किया हुआ वादा पूरा करना चाहती, या तो अपनी खुद की फीलिंग्स को इग्नोर करके अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करना चाहती? What was she exactly thinking? बात करनी है मुझे। मैं बिजी। किस काम में? मैंने दिया से कभी प्यार नहीं किया प्रियंका। ये बात तुमने मुझे रियलाइज करवाई। मैं क्या हूं कि मैं कुछ हूं, इसका एहसास तुमने मुझे दिलाया। तुम जानती नहीं हो तुम मेरे लिए क्या हो। अरे दिया से तो कभी प्यार ही नहीं किया मैंने। जो प्यार की फीलिंग तुम महसूस करना चाहती थी वो आज मुझे हो रही है। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम इन लव। आई लव यू प्रियंका। आई लव यू। प्लीज रिबाउंड का नाम देकर इसकी इंसल्ट मत करो। किसी ने मुझसे कहा था कि वो हमेशा मेरा साथ देगा। किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि मुझे वही करना चाहिए जो मेरा दिल चाहता हो। और मेरा दिल तुम्हें चाहता है प्रियंका। तुम्हें तो बाकी रहूंगा मैं। रोज यहाँ आऊंगा, रोज कॉफी पीऊंगा और रोज हमारे बारे में लिखूंगा, ताकि हमारी स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाए। तुम क्यों समझ नहीं रहे हो, ये नहीं पॉसिबल है।
वादा करो मेरे जाने के बाद मम्मी पापा का हमेशा ख्याल रखना, उनका साथ कभी मत छोड़। इसके लिए मैं कभी शादी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस यू। अमन कुकीज वो ऑफर खत्म हो चुके हैं। I'll pay for it. तुम्हें पता प्रियंका मेरी स्टोरी खत्म होने वाली है, समझ ही नहीं आ रहा उसका एंड कैसे करूं यार। हर एंड का मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं होता है रोहन, और मेरा इंतजार करके तुम सिर्फ दुखी होने वाले रोहन। हम एक नहीं हो सकते, प्लीज समझो। क्यों प्रियंका, क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं बता सकती हूँ बस। जीते रहोगे, शर्म नहीं आती आपको? तुम्हारा अब तो दिमाग भी खराब है, हैं? उसने क्या कहा था कि वो शादी नहीं करेगी? आदि से कहा था कि वो हमारे पास रहेगी। सिर्फ इसलिए ना, क्योंकि वो हमें हमारा घर खर्चा देती है। दो चार पैसे कमा कर दे दिए तो कौन सा एहसान कर दिया? उसके बाप के एक्सीडेंट के बाद से वो इसी घर की रोटी खा रही है, हैं? ये तो बड़ी रहती कहीं। तो तुम इसीलिए अपने एहसान का बदला लोगे? कीर्ति ने कहा है मुझे, रोहन बहुत अच्छा लड़का है। सोचो अगर प्रियंका आपकी अपनी बेटी होती तो क्या उसको घर बिठा के रखते, शादी नहीं करवाती उसकी? मुझे ये सब रोकना होगा। I'm sorry sir, but मैं ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो मैंने ये जॉब छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। पर कब तक भागोगी तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं और चले गए तो रोहन तुम्हें ढूंढेगा नहीं? हाँ, तुम्हें तुम्हें बुलाने नहीं आएगा वो? नहीं, मैं जानती हूँ अब वो नहीं आएगा। You know, एक बार फिर गलत था मैं। मुझे लगा तुम मुझे समझती हो यार, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं यार। तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगा तुम्हें? हाँ, इधर जा रही हो उधर भाग रही हो, सब कुछ छोड़ के जा रही हो मेरी वजह से? हाँ प्रियंका, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चला जाता हूँ यार। ऑटोग्राफ प्लीज। मैं प्रियंका की मामी हूं। I'll miss you, यार। अब टच भी रहेगी ना? हाँ, ना टच फोन खरीदो है ना, और सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करो। पर सीखना पड़ेगा सब कुछ। I'll miss you.
तुम ठीक हो? सब बैठो बैठो, कैसी हो तुम? ठीक हो सब, थैंक यू। सब मैं सोच रही थी कि आज क्योंकि मेरा लास्ट डे इस कैफे में, तो एक आखिरी बार इस कैफे को लॉक कर सकती हूँ जाने से पहले। शो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लास्ट कॉफी, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं तुमने अपने भाई से वादा किया था तुम अपने मामा मामी का हमेशा ख्याल रखोगी। तुम्हें मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी प्रियंका, मैंने भी एक वादा किया था अपने आप से, मैं हमेशा खुश रहूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। पर नहीं, मैं अपना वो वादा पूरा नहीं कर सका। I'm sorry, मैं तुम्हें कभी खुश रख ही नहीं पाया। लेकिन आज मैं तुमसे एक और प्रॉमिस करना चाहता हूँ जो पूरी जिंदगी निभाऊंगा। तुम्हारे तुमने जो अपने भाई से वादा किया था वो वादा निभाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई प्रॉमिस तुम्हारे मामा मामी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। आई मीन आज तुम जो भी हो उन्हीं की वजह से तो हो। टैक्स कहने का तो हक बनता है मेरा। शोहन ऐसा नहीं। तो फिर कैसी बात है? हम लोग मिल के ख्याल रखेंगे उनका। प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो। आई प्रॉमिस। मैं हूं ना हमेशा। तुम मजाक उड़ा रहे हो? मजाक नहीं उड़ा रहा तुम्हारा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और अब तो तुम्हारी फैमिली भी हमारे साथ है यार। बेटा अपने मतलब के लिए तेरी कुछ आंखें इतने बुरे नहीं है तेरे मामा मामी। मामा, दो माओं का फर्ज निभाना चाहिए था ना मुझे, पर कुछ नहीं किया। बेटा तुमने तो बेटा बेटी दोनों का फर्ज निभाया। बेटा आदित्य कभी नहीं चाहेगा कि वो तेरी खुशियों के बीच आए। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक भी, ये आशिकी। So finally, destiny ने रोहन और प्रियंका को मिला दिया। You know, love is always meant to be. Love is really sweet. You know, sweet like coffee and almond cookies. Don't you think? क्या पता कि आपको आपका the one and only कब मिल जाए? It could be now, it could be tomorrow, या फिर it could have already happened. लेकिन अगर आपके साथ नहीं हुआ है, यानी कि आपको आपका The one and only नहीं मिला, so I pray to God कि बहुत ही जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए, this is Ritvik Dhanjani signing off. I'll see you guys next week, only on ये है आशिकी। Well, I hope कि आपको हमारे ये है आशिकी के episodes पसंद आए, और ऐसी ही कहानियां हम आप तक हर हफ्ते लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको हमारी कहानियों के बारे में हमसे कुछ शेयर करना, you can tweet us @BindasTV #ये है आशिकी।